नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स का लेसन नंबर 2 है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में करना चाहते हैं, तो मैं कोर्सेज का अनअकैडमी के कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज लाए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2018, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में रक्षा कॉरिडोर का प्रारंभ किया, कहाँ से कहाँ तक? ये आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जहाँ से लखनऊ, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, ये सारे जुड़ेंगे रक्षा कॉरिडोर। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम रखने का फैसला किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है अटल पथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो आपका नाम है वो अटल पथ रखने का घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है गाजीपुर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने गाजीपुर स्थान पर रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंसेफ्लाइटिस रोग से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है स्टॉप जेई स्लैश AES। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है फरीदाबाद। जी हाँ दोस्तों, सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्रीकन 2018 का प्रारंभ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकन 2018 का जो प्रारंभ है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाराणसी में युवा उद्योग योजना का आरंभ किसने किया? तो अगर हम बात करें वाराणसी में युवा उद्योग योजना का आरंभ, ये आपका अमित शाह ने किया, यानी कि अमित शाह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे करंट अफेयर्स आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काफ़ी मेहनत के साथ बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, कम से कम इस वीडियो पे 1500 से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, ठीक है? और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सम्पन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव कि इस वर्ष थीम क्या थी? तो इस वर्ष जो आपकी युवा महोत्सव की जो आपकी थीम थी वो थी आपकी संकल्प सिद्धि। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव की इस वर्ष जो आपकी थीम थी वो थी आपकी संकल्प सिद्धि। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पहले बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये आपका कानपुर में हुआ 3 फरवरी 2018 को, उत्तर प्रदेश में पहले बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश ने खाद्य उद्योग की बिक्री के लिए किस ई कंपनी से करार किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है अमेजॉन इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य उद्योग की बिक्री के लिए अमेजॉन इंडिया से करार किया, और अमेजॉन के जो आपके CEO हैं वो हैं आपके जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस स्थान पर गंगा नदी पर 6-लेन ब्रिज बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद स्थान पर गंगा नदी पर 6-लेन ब्रिज बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थित हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है अटल चौक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थित हजरतगंज चौराहे का जो आपका नाम बदलकर अटल चौक रखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ई फायर डायल फायर योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? ये आपका 17 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ई फायर डायल फायर। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है देवरिया। जी हाँ दोस्तों, देवरिया में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वच्छ शक्ति 2018 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए शक्ति 2018 का जो आपका आयोजन है, ये आपका लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु के देख रेख के लिए शिशु स्वागत केंद्र पालन योजना का आरंभ किया गया, ये आपका 18 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश में किया गया। कौन सा? नवजात शिशु की देख रेख के लिए शिशु स्वागत केंद्र पालन योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। दोस्तों अगर आप लोग UP SSSC वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप 149 रुपये में परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो मोस्टली अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। 149 की है, डायरेक्ट परचेस करेंगे तो 200 रुपये की मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप जाकर के परचेस कर लीजिए, जिनका UP SSSC वीडियो का एग्जाम है आने वाले दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पद्मश्री से सम्मानित राम स्वरूप शर्मा का हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में निधन हो गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है मथुरा। पद्मश्री से सम्मानित राम स्वरूप शर्मा का हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मथुरा जिले में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में होने वाले कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है www.kumbh.government.in। जी हाँ दोस्तों, 2019 में होने वाले कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश ने www.kumbh.government.in वेबसाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 फरवरी 2018 को या 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव को आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की 450 स्पीसीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, गंगा हरितमे योजना उत्तर प्रदेश में किस तिथि को लॉन्च की गई? ये आपका 27 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई, शायद 27 जिलों में लॉन्च की गई थी ये आपकी गंगा हरितमा योजना, मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।